आपको बता दूं, बेतिया स्टेशन पर रहने वाला वो इंसान जो सबसे प्यार करता था, जो भी बेतिया स्टेशन पे आता था वो सिर्फ और सिर्फ खोजता था कि राजू भिखारी कहाँ है, उसको 5 रुपया 10 रुपये देना है। ये वही इंसान था जो बिना किसी से मांगे हुए जो हजारों लाखों रुपए इकट्ठा करता था, गरीबों को देता था, लड़कियों को देता था, बच्चों के लिए किताब खरीदता था, बिस्कुट खरीदता था। वो इंसान जिससे सब लोग प्यार करते थे और भारत का पहला इकलौता डिजिटल भिखारू राजू के नाम से जो है लोग उसको जानते थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहा। पूरे गाँव के लोग जो है हमारे राजू भाई के दाह संस्कार के लिए आए हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो इंसान खेलता कूदता था, जो लोगों से प्यार करता था, लोगों के साथ बैठकर गले मिलता था, वो आज हमारे बीच नहीं रहा, आखिर में क्यों? जबकि उसे कोई बड़ा बीमारी भी नहीं था, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो नेचुरल डेथ हुआ है, या इसके पीछे भी कोई राज है? हम बात भी करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे, और इतना ही नहीं, राजू भाई के छोटे भाई भी हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर में जो डिजिटल भिखारी राजू थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। आपके भाई डिजिटल भिखारी राजू जो इस दुनिया में नहीं रहे जी, कैसे हो गया ये? कोई बीमारी था या नेचुरल डेथ हुआ या कैसे? नेचुरल डेथ हुआ, कोई बीमारी नहीं था, अचानक तबीयत खराब हुआ। हाँ। उसके बाद से 102 पे कॉल किया गया तो हॉस्पिटल लेके गए। हाँ। हम रहते हैं बाहर में रहते हैं। हाँ, हमारे पास 4 बजे 5 बजे करीब में कॉल आया कि भाई डेट कर चुके हैं। हाँ। तब हम आए जी। इसके लिए उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना। ऐसा भी सुनने में आया, लोग कह रहा है कि राजू भिखारी जो है वो मानसिक बीमारी से जो ग्रसित है, उनको किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं ऐसा ना, कुछ चीजों को लेकर जो है मानसिक उन पर तनाव था जिसके कारण जो है ऐसा कुछ हो गया। कोई ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कुछ था, नहीं हुआ है ना। तब आप समझ सकते हैं राजू भिखारी जो है अब हमारे बीच नहीं रहे, और आप सभी से बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे राजू भाई के लिए जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित जरूर कीजिएगा। आप जहाँ भी है इनके आत्मा की शांति के लिए भी जो है आप निवेदन जरूर कीजिएगा, प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जो है वार्ड पार्षद जी, इनसे भी जानना चाहेंगे राजू भिखारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो बहुत हर दिलों के दिल में बसता था और बहुत अच्छा आदमी था। अब कारणवश अपना भीख मांग के अपना काम चलाता था, लोगों से हेल्प लेता था जी। मृत्यु की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी से दुश्मनी उसको था नहीं, सब उसको प्यार करते थे। अब लगता है या कि उसका बीमारी हार्ट अटैक करके हुआ है, ऐसा ही है। अब हॉस्पिटल में ले आके बहुत लोग भर्ती कराए रात में और इसका हार्ट अटैक हो चुका है। बहुत दुख है, हम लोग सारे लोग दुखी हैं, इसमें सारे गाँव के लोग दुखे हैं, ये तो है ही है। क्या कहना चाहेंगे राजू भिखारी हमारे बीच अब नहीं रहे? ये राजू ऐसा लड़का था कि लालू यादव को अपना पिताजी कहता, लालू यादव का पिताजी कहता, सही बात, हमारे इंटरव्यू में बोले। हाँ, और इतना बढ़िया था कि आप भीख मांग के बच्चों को बिस्कुट, किसी को कुछ खरीद के दे देता था जी। हाँ जी। आज हम लोग के बीच ही नहीं है तो लग रहा है कि हमारा अपना कोई नहीं है, कोई नहीं रहा। हाँ जी। इतना अच्छा हृदय के माने भीख मांग कर भी दे देना, ये बहुत सहृदय की बात है। वही था, इसको किसी से दुश्मनी नहीं था, लगभग सब लोग इसको स्नेह करते थे, बच्चा चिढ़ाने के लिए भले कुछ बोल देते हैं थे, ऐसा कोई सब लोग प्यार सब लोग करते थे, सब समझ सकते थे। और राजू भिखारी का जो है कोई बुरा आदत भी नहीं था, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, गांजा पीने का हो, या गुटखा खाना हो, ऐसा कोई आदत नहीं था। और ना ही वो अपने पैसे को कहीं जो है फालतू गंवाते थे, वो जब भी पैसे कमाते थे किसी न किसी का मदद जरूर करते थे। देख सकते हैं राजू भाई यहाँ लाश पड़े हुए हैं, इनको क्या हम इनसे सवाल पूछे? हम बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजू भाई को जो है श्री रामचंद्र अपने चरण में स्थान जरूर दे, इनकी आत्मा को शांति जरूर दे। आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आप जानते हैं राजू भाई को? जी, मेरा ऐसे जानते हैं, मेरा मामा जी लगेंगे। मामा जी लगेंगे जी। तो कैसे हो गया जो इंसान खेलता कूदता था वो अब नहीं रहा? हम लोग को अचानक पता चला कि इनका डेट हो गया है, तो हम लोग रक्सौल से आए हैं इनसे मिलने के लिए। जब ये जिंदा थे तमाम नेता लोग, तमाम जो है मीडिया रिपोर्टर वाले आते थे इनको मदद करने के लिए, अब जो है इनको कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। कोई, तो अब इनका दाह संस्कार क्रियाक्रम कैसे होगा? हम अपने से कर रहे हैं लोग, इनका छोटा भाई जो पिंटू कुमार है वो अपने से कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं। मतलब परिवार के लोग जो है अपने से मदद कर रहे हैं, सही बात है भाई। जी जी जी, सही बात है भैया। हाँ भाई, सही बात। कैसे हो रहा है, क्योंकि राजू भाई जो कमा रहे थे तो सब छोटे इसका भाई कर रहा है, छोटा भाई सब क्रियाक्रम। कोई ऐसा व्यक्ति, खुद राजू भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव को अपना पापा बोलते हैं,
कोई नहीं आया, कोई मैसेज कॉल कोई कुछ भी ना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आया मैसेज, पता भी उन लोगों को नहीं है। रहा बात इसका अकस्मात मृत्यु हुआ है, और मृत्यु में जो खर्च मैंने लगभग सहयोग लकड़ी से लेकर और यहाँ के पार्षद पूर्व पार्षद जोहर प्रसाद दिए हैं, और जहाँ तक इन लोगों को मदद का जरूरत होगा हम लोग करेंगे, सक्षम है, मतलब अपने समाज के लोग मदद सक्षम है, कहीं से लेने की जरूरत ना, अगर कोई दे तो सो फार सो गुड, नहीं दे सो फार सो गुड, मगर ऐसा नहीं है कि इसका काम अच्छा से नहीं होगा, हम लोग हैं तो अच्छा से सब। मित्रों हमारे डिस्प्ले पर राजू भाई का फोटो चल रहा है जिसमें राजू भाई क्यूआर कोड पहने हुए हैं, उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके राजू भाई का मदद कीजिएगा, अकाउंट इनका तो होगा भाई वो वाला, हाँ तो उस अकाउंट पे आप लोग जितना हो सके आप मदद कीजिएगा, वहीं आप स्कैन कीजिएगा, उस पर राजू भाई का नाम आएगा तभी पेमेंट कीजिएगा, किसी और क्यूआर कोड पे आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। हम डिस्प्ले पर वो फोटो डाल देंगे जिसमें राजू भाई जो है वो डिजिटल जो प्रिंट वाला जो क्यूआर कोड का बोर्ड होता है वो पहने हुए हैं, उसी क्यूआर कोड पर मदद कीजिएगा ताकि ये राजू भाई का जो है दाह संस्कार वाला प्रक्रिया जो है वो हो सके। हाँ क्या करना चाहिए बताइए भैया, आप रेलवे स्टेशन पर गए थे तो इनको हालात इतना खराब था, कब की बात, शाम के बात है, कब आज की कल शाम को, कल शाम का, हाँ तो हम लोग खराब था बताइए, इनका स्थिति इतना खराब है, मुंह में से आवाज नहीं निकल रहा था, चेहरा फूल गया था, ठीक है, इसको एडमिट 112 पर कॉल किया, शहर आए थे उसको लेकर हम लोग हॉस्पिटल में जीएमसीएच बेतिया में एडमिट कराए, उसके बाद में दवाई सुई हुआ, ठीक था, वो बैठा हुआ था, डॉक्टर क्या कहा जब आप, डॉक्टर कहा था कि चीनी बोल रहा था चीनी की बीमारी है, ठीक, लेकिन डॉक्टर से हाँ चीनी मैंने शुगर की बीमारी है, तो उनसे पूछा गया तो बोल रहा नहीं शुगर नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, उठकर बैठ भी गया, पानी भी हम लोग पिलाए हैं इनको, उसके बाद में पानी पिलाए लो तो एक डेढ़ घंटा बैठे लो, ठीक था, तो बोल रहा जाने के लिए स्टेशन पे कि हम जाएंगे वहाँ, नहीं तो मेरा सामान वो सब लेकर चला जाएगा लो, हम बोले कि ठीक है सामान सही रहेगा तो सामान तो बहुत कभी भी हम यापन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग वहाँ पर रहने के लिए बोले, वहाँ पर रहा रुका, उसके बाद में ठीक था, तो हम लोग बोले कि आप चलते हैं, हम लोग ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोग चले आए घर पे, जी। अब आप समझ सकते हैं भाई जो है उस समय मौजूद थे जब डिजिटल भिखारी राजू जो है वो स्टेशन पे थे, उनका तबीयत खराब था, और भाई ने जिस प्रकार बताया कि ये उनको लेके गया अस्पताल में भर्ती भी कराया, और उनको शायद जो हो सकता है कि बीपी का बीमारी था लेकिन वो स्वस्थ थे, तो आखिर में जब वो स्वस्थ थे तो फिर क्या ऐसा हो गया कि वो चल बस हमारे बीच नहीं रहे, पता नहीं, हम तो चले आए सर, तो दोस्त के पास फ़ोन किए तो बोल रहा है कि चल गए, तो इनके घर आए तो इनके घर वाला कोई नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल बोला था गया है लो, हॉस्पिटल में गए तो इनके बाद फ़ोन भी किए थे, बहुत जगह फ़ोन भी किए, इसका कोई सहयोग करे ताकि इसका मैंने श्रद्धांजलि बढ़िया से हो जाए, राज संस्कार हो जाए, कुछ मान लीजिए कुछ बजट का इसमें काम है कि नहीं, इसके लिए बहुत जगह कोशिश किए लो, उसके बाद में संजय जायसवाल के घर के कोई मेम्बर आया था, उसके बाद से मिला उला था लो, मतलब कुछ लोग आमी से, हाँ उनके जो कोई भी था, समझ सकते हैं मामला ये है, और बेतिया का जाना माना चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बीच रहता था चाहे वो भीख ही क्यों ना मांगता था, लेकिन उसकी एक अपनी अहमियत थी, और उस अहमियत के बल पर अपने जान पहचान बना रखा था, जिसका नाम डिजिटल भिखारी था, जो बिहार ही नहीं पूरे भारत में मशहूर था, और भारत का पहला ऐसा भिखारी था जो डिजिटल माध्यम से लोगों से जो है भीख मांगता था, पैसे लेता था, और उस पैसे का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करता था। हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु हमें भी देख रहे हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे भाई के लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें, और जितना हो सके आप लोग मदद जरूर करें। बाकी आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।